जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में एफआईआई डीआईएस का एक्शन कैसा रहा। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, एफआईआई ने फिर से कैश मार्केट में खरीदारी कर दिखाई है। करीब 481 करोड़ की खरीदारी एफआईआई ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में करीब 294 करोड़ की बिकवाली की। एक ट्रेंड यहाँ पर अगर देखें, एफआईआई की खरीदारी जहां पर आप लौटती हुई दिख रही है, हर रोज हम ऐसा देखते हैं कि जहां पर एफआईआई खरीदारी करते हैं उनमें डीआईएस की तरफ से बिकवाली का एक ट्रेंड है जो कि फिलहाल नजर आ रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। एफआईआई में जहां लगातार बिकवाली हो रही थी तब डीआईएस जो है हमारा साथ दे रहे थे। बहरहाल इस वक्त 294 करोड़ की बिकवाली यहां पर दिख रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, 1146 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में की है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 788 करोड़ की बिकवाली यहां पर एफआईआई ने कर दिखाई है। तो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में एफआईआई की अगर खरीदारी को छोड़ देते हैं, डीआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की और वायदा बाजार में एफआईआई ने क्या इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस दोनों में ही बिकवाली के आंकड़े दिखाए हैं। ट्रेडर स्क्रीन जब 8 बजे आपके सामने लेकर आएंगे तब बताएंगे कि इस बिकवाली खरीदारी के पीछे सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए कैसे नजर आ सकते हैं। तो हमारे साथ आपको बने रहना है, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर अब जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आज विदेशी बाजार से सेंटिमेंट्स जो हैं मजबूती वाले तो नहीं हैं, कंसर्न ज्यादा दिख रही हैं। इन्फ्लेशन का डर है जो कि तमाम मार्केट्स को परेशान कर रहा है। क्या लगता है भारतीय बाजार के लिए आज के संकेत कैसे नजर आएंगे, शुरुआत कैसी होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी, अगर हम लोग कहेंगे निफ्टी के बारे में तो देखो मार्केट फिलहाल राइज ही है। परसों के दिन भी हम लोगों ने 17,200-17,250 के आसपास सेलिंग का ही राय दिया था, 17,400 का एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था। तो आज जिनको भी फ्रेश मंदी खेलनी होगी वो 17,180 ये लेवल अगर स्क्रीन में आता है तो हमें वहां पे मंदी करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा डीप होगा, जो पहले वाला स्टॉप लॉस है 17,400 वही स्टॉप लॉस के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे 16,950 से लेकर 16,900, लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे ही हम लोग 17,000 के नीचे चलना चालू कर देंगे तो पैनिक ज्यादा हो सकता है, और अगर 16,700 या फिर 16,750 अगर कल के सत्र में भी दिखाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि 17,000 अभी मेक और ब्रेक लेवल है मार्केट के लिए। जैसे ही गिरेगा तो 200-250 पॉइंट्स और गिरने की चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ऑल राइट नितिलेश, इंडेक्स पर आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाजार आज आपको कैसा नजर आ रहा है, आज शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और सेक्टर्स कौन से हैं जिन्हें आप अप्रोच कर रहे हैं? जी मैम, पुरानी एंटरप्राइज को हम लोग फिर से शॉर्ट करना पसंद करेंगे। परसों के भी हम लोगों ने जो दिया था वहां पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर से अगर ये काउंटर 1800 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो 1840 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें बिकवाली करना है। 1740 से लेकर 1700 ये मेरे टारगेट्स होंगे। और दूसरा काउंटर मुझे ज्यादा वीकनेस वाला लग रहा है वहां पे बजाज ऑटो में हमें शॉर्ट सेल करना है। 3600 के नीचे जैसे ही काउंटर ट्रेड करना चालू कर देगा स्टॉप लॉस 3650 का मेंटेन करें। पहला जो टारगेट होगा वो 3520 से लेके 3450 का होगा, और बाकी के जो दो शॉर्ट्स हम लोगों ने पिछली बार रिकमेंड किए थे IRCTC और टाइटन उसको कंटिन्यू कर हमें पसंद करेंगे। बिल्कुल नितिलेश, शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए, और आज बाजार की शुरुआत कैसी होगी साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए नितिलेश की तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए और बिकवाली की राय अदानी एंटरप्राइजेस पर और साथ ही बजाज ऑटो पर आती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस अगर आप बिकवाली का मन बनाकर चल रहे हैं, 1740 का पहला लक्ष्य 1700 तक भी नीचे उतरता हुआ दिख सकता है, 1840 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना है और बिकवाली की रणनीति अपनाई जाए। बजाज ऑटो में जिस तरह से करंट सिचुएशन दिख रही है आज भी बिकवाली हावी होती हुई दिख सकती है। कल हमने देखा लाल निशान के साथ उसमें ट्रेड दिखा, करीब 1.5-2% की कमजोरी स्टॉक में दिखी थी। 3650 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, 3520 पहला टारगेट, 3450 तक भी है गिरता हुआ दिख सकता है।
दो ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर नितलेश की तरफ से आती हुई दिख रही हैं, दो ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास नीलेश जैन जो कि सेंट्रम ब्रोकिंग से हैं उन्होंने भेजी है, क्विकली आपके सामने रख देते हैं। तो टाटा पावर पर खरीदारी की राय है और माइंडट्री, ध्यान रखिए लगातार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है माइंडट्री पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ऑफकोर्स स्पेस जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और माइंडट्री का स्टॉक प्राइस भी अगर देखें अच्छी तेजी के बीच लगातार ट्रेड करता है, करीब 2% की बढ़त कल के सत्र में भी स्टॉक ने दिखाई थी। 4,250 के टारगेट्स आज ध्यान में रखें, 4,020 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है और दूसरा टाटा पावर 244 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 229 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो क्लियरली ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन आपके लिए, इन पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी और बिकवाली के नजरिए बनाकर चल सकते हैं। इन्वेस्को जील मामले पर बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़े निवेशक इन्वेस्को ने ईजीएम बुलाने का फैसला टाल दिया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी सौमित अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौमित गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है ये पूरा मामला? गुड मॉर्निंग, जब से ये हाईकोर्ट की रूलिंग आई थी फेवर में इन्वेस्टर्स के, तब जाके उन्होंने कल पोस्ट मार्केट डे अनाउंसमेंट किए जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट की रूलिंग आई है उससे वो बहुत खुश है, बट अब वो आगे जाके जो उनकी ईजीएम की मांग है वो कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ईजीएम की मांग अब नहीं करेंगे। आप आगे जाके वो कह रहे हैं कि जो जी सोनी का मर्जर होने वाला है वो जी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी लॉन्ग टर्म अच्छे पोटेंशियल रखता है आगे जाके, और इसलिए वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं ये जी सोनी के मर्जर को। और ये भी कहते हैं कि अगर करंट फॉर्म में ये जो मर्जर अनाउंस किया था उन्होंने वो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वो आगे जाके ये ईजीएम की मांग रख सकते हैं। अब इन्वेस्को एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जी एंटरटेनमेंट में, करीब 18% की होल्डिंग है उनकी, और उन्होंने ये ईजीएम की मांग रखी थी क्योंकि वो जो एमडी और सीईओ है कंपनी के पुनीत गोयनका को उनको बोर्ड से निकालना चाहते थे और 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में रखना चाहते थे। अब अगर ये जो ईजीएम की मांग जो उन्होंने अब कैंसिल की है इसका मतलब ये होता है कि कुछ सेटलमेंट हुआ रहेगा प्रमोटर पुराने प्रमोटर और इन्वेस्को के बीच में, और इसका मतलब ये भी होता है कि अब जो जी सोनी का मर्जर जो अब तक डिले हो रहा था वो अब डिले नहीं होगा और जल्दी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ईजीएम उन्होंने रखा रहता तो शायद जी सोनी का जो मर्जर है वो और डिले हो जाता। तो एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया है जी एंटरटेनमेंट के लिए क्योंकि इन्वेस्को अब ईजीएम की मांग नहीं रख रहा है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर ये एक आउटकम आता हुआ दिखा है और ऑफकोर्स हम इससे जुड़े सारे अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। इन्वेस्को जील मामले पर ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, सबसे बड़े निवेशक इन्वेस्को ने ईजीएम बुलाने का फैसला जो अपना था वो अब टाल दिया है और इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। इस बीच यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखा था, सबसे बड़े निवेशक इन्वेस्को ने यहाँ पर ईजीएम बुलाने का फैसला जो है उसे टाल दिया है। साथ ही इन्वेस्को ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है इससे जुड़ा जो कि आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। इस बीच चलिए आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आई, सारी की सारी डिटेल्स शरद से जान लेते हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग, तो सबसे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट डील हो सकता है कोटक महिंद्रा में। सोर्सेस कह रहे हैं कि जो कैनेडियन पेंशन फंड है वो स्टेक अपना बेचेंगे, लगभग 1.4 से लेकर 2% स्टेक तक जो है कोटक महिंद्रा बैंक में बेच सकते हैं। अगर भाव के बारे में बात करें तो लगभग 1681 रुपीज़ से लेकर 1770 रुपीज़ के होगा ये जो प्राइस रेंज है, लगभग 0 से लेकर 5% तक डिस्काउंट पर करंट मार्केट प्राइसेस पर है, और लगभग 4 करोड़ शेयर्स जो है बिकवाली हो सकते हैं कोटक बैंक। और इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग आप 6,700 करोड़ से लेके लगभग 7,080 करोड़ तक के जो वैल्यूएशन देखने मिल सकते हैं। हीरो मोटो कॉर्प भी फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन आई है कंपनी की तरफ से कि जो आईटी डिपार्टमेंट की जो विजिट हुई थी वो एक सामान्य जांच की थी, और ओवरऑल देखा जाए तो इंक्वायरी जो है साल के अंत में जो है कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, तो एक टाइप से क्लैरिफिकेशन आया। आईसीआईसीआई बैंक भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे आरबीआई ने जो है अप्रूवल दे दिया कि एसबीआई ग्रुप को, जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है, कि वो लगभग 9.99% हिस्सा का अधिग्रहण कर सकते हैं। अभी हालांकि 5.72% स्टेक जो है अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड रख रहे हैं। इसके अलावा रुचि सोया फोकस में रहने वाला है। अब रुचि सोया में जो है लगभग 1290 करोड़ जो है आप एंकर इन्वेस्टर से जुटाया गया है, और आप देख सकते हैं लगभग 650 रुपये पे है। जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उसमें है आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी है, कोटक म्यूचुअल फंड, बीएनपी पैरिबस, आस्क इन्वेस्टमेंट, और याद रखिए जो रिटेल निवेशक के लिए एफपीओ आज से खुल रहा है, और जो प्राइस बैंड है 615 रुपया
से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है प्रमोटर जो है L&T जो है लगभग 2 करोड़ शेयर जो है NSE में खरीदे हैं, और इसके और पिछले हफ्ते भी देखा जाए तो उन्होंने लगभग 1.43 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। और याद रखिएगा उनका जो ओवरऑल स्टेक है प्रमोटर का L&T का 63.5% स्टेक है। IOC का भी फोकस में रहने वाला है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 30 लाख बैरल जो तेल है रशिया से ऑलरेडी परचेज कर लिया है, और अगर मार्च के महीने को देखें तो 60 लाख का जो आंकड़ा है वो भी पार हो चुका है परचेजिंग को लेके। जोमैटो भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे अनाउंसमेंट आई कि वो अपने जो कनाडा के बिज़नेस है उसे वो बंद कर दिए हैं, और ज़्यादा जो एक्सपोजर रेवेन्यू का इस बिज़नेस से नहीं आएगा। CSB बैंक भी फोकस में रहेगा। RBI ने प्रलय मंडल को अपॉइंट कर लिया है एक इंटरिम MD और CEO अगले 3 महीने के लिए, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। फिलाटेक्स में भी एक न्यूज़ है, बोर्ड जो है बायबैक कंसिडर करेगी मार्च 29 को। और आखिरी जो न्यूज़ है वो है अदानी टोटल गैस पे। यहाँ पे जो है ऑथराइजेशन लेटर मिल गई है एजेंसी से PNGRB से, जो 14 ज्योग्राफिकल एरियाज़ के लिए। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स, लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट्स और वहाँ पर खबरें कौन सी हैं आपने जाना, कमोडिटी मार्केट्स का रुख करते हैं और इसमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए बताने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। ऑफकोर्स कमोडिटी प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा खबरों में हैं, और सप्लाई में बाधा आने से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी फिलहाल नज़र आ रही है। ये कैस्पियन पाइपलाइन से सप्लाई में बाधा की बातचीत यहाँ पर आती हुई दिखी है, उसके बाद ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। आपकी राय क्रूड पर कैसी है, एनर्जी पैक आपको कैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से जो अंडरलाइंग थ्रेट है ऑयल के लिए, जो कि रशिया और यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो अभी भी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से आज EU और नाटो का समिट है, आई थिंक दैट विल बी अ क्रूशल फैक्टर। उसमें क्या होता है हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया पे और सैंक्शंस लगाने की बातें चल रही है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि EU रशिया का जो ऑयल एंड गैस है वो बैन करेगा कि नहीं एक्सपोर्ट्स, जो इम्पोर्ट करते हैं वो, तो मेरे हिसाब से वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। अभी तक तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी यही है कि शायद वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बहुत रिलायंस है रशियन गैस के ऊपर, तो वो रूल्ड आउट है। लेकिन स्टिल आई थिंक ट्रेडर्स विल बी कीपिंग अ वॉच ऑन दैट, और उसी होप से मेरे हिसाब से क्रूड में फिर से एक बार हम थोड़ा सा एक बाउंस बैक देख रहे हैं। आई थिंक दैट विल बी क्रूशल। लेकिन जब तक कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑन है, हमारे हिसाब से क्रूड के प्राइसेस निचले लेवल पे सपोर्टेड ही रहेंगे, तो इट इज लुकिंग पॉजिटिव ओनली। लेकिन जो समिट है, आई थिंक समिट का आउटकम विल बी वेरी वेरी क्रूशल। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो WTI क्रूड में 115-116 डॉलर का एक पहले एक सपोर्ट बना था, जिसे ब्रीच करते हुए प्राइसेस 94 तक चला गया था। अभी 115-116 का जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, और अगर उसके ऊपर प्राइसेस निकल जाता है और उसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो फिर से हम 120-122 डॉलर तक के लेवल्स WTI क्रूड में देख सकते हैं। और अगर MCX की बात करें तो MCX में फिर से एक बारी 9000 के ऊपर प्राइस जा सकता है, इट माइट गो एंड टेस्ट 9200-9300। तो मेरे हिसाब से अभी इट इज लुकिंग पॉजिटिव, बट वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन द समिट, और उसके बाद एक फर्दर क्यू मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा सपोर्टेड रहेगा प्राइसेस। बिल्कुल, एनर्जी पैक में ही नेचुरल गैस पर भी क्विकली आपके स्टॉक आपकी रिकमेंडेशन जो है वो आप बता दीजिए। नेचुरल गैस में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है लास्ट एक दो सेशन में, प्लस US में जो कोल्डर टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है उस वजह से नेचुरल गैस को सपोर्ट मिल रहा है। और हम अगर नेचुरल गैस की पूरी रैली देखें 195 से लेके 485 एंड देन अ फॉल टुवर्ड्स 265-270 एंड देन अगेन अ मूव अप, ये एक क्लियर बुल साइन है। और कल का जो ब्रेकआउट आया है इसमें वो इंडिकेट करता है कि इसमें बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो हमारे हिसाब से 412-414 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है नेचुरल गैस में, अगर वो निकल जाता है तो आई थिंक इट माइट अगेन गो एंड टेस्ट द प्रीवियस हाइज ऑफ 480-485। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। जस्ट वेट कीजिए 412-414 निकालने के लिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, और हम फिर से एक बार नेचुरल गैस के प्राइसेस प्रीवियस हाइज के आसपास देख सकते हैं।
श्योर क्विकली रविंद्र, बुलियन मार्केट पर कच्चे तेल की चाल जो है, महंगाई का एक इम्पैक्ट वहाँ पर भी पड़ा है और कच्चे तेल की ही चाल, इनफैक्ट इन्फ्लेशन की जो चाल है, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स, उसका इम्पैक्ट गोल्ड पर पड़ा है, गोल्ड और साथ ही बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक? गोल्ड में हमारे हिसाब से गोल्ड में पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि क्रूड में हमने फिर से एक बार अपमूव देखा है, प्लस फेड ऑलरेडी दे आर हॉकिश विच इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, बट ज्यादा एग्रेसिव होने का थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है. बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी देखे तो उन्होंने कहा है कि अभी दे माइट टेक अ पॉज ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, लुक एट द सिचुएशन, और उसके बाद वो फिर से बढ़ाएंगे. तो मेरे हिसाब से जो सेंट्रल बैंक्स पहले एग्रेसिव थे, अभी थोड़ा सा दे आर नॉट दैट एग्रेसिव बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है. प्लस इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी हाई है ही, तो क्रूड में भी प्राइसेस ऊपर आ चुके हैं, तो आई थिंक गोल्ड में एक सपोर्ट बना रहना चाहिए. हमें लगता है कि गोल्ड $1960 तक फिर से एक बार आ सकता है. और एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 52,200 to 52,300 तक के लेवल्स हमें इसमें दिख सकते हैं. बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर में हमने एक ब्रेकआउट देखा है कल के सेशन में, और पॉसिबिलिटी है कि एमसीएक्स कॉपर जो है वो फिर से एक बार 850-860 तक के लेवल दिखा सकता है. तो कोई भी अगर डिप आता है कॉपर में तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. 820 का सपोर्ट बन रहा है अभी, 820-822 का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए और डिप में खरीदारी करना चाहिए. बिल्कुल रविंद्र, शुक्रिया विस्तार से कमोडिटी मार्केट्स पर आपका नजरिया और स्ट्रेटजीज हमें बता